ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मिलते हैं टॉपर से और जानते हैं उनके कुछ टिप्स। सबसे पहले तो साक्षी, आप खेलती भी हैं, है ना? नेशनल प्लेयर हैं बास्केटबॉल की। कैसे बैलेंस करती हैं आप? आगे नॉन मेडिकल पढ़ना है, खेल को जारी रखेंगे या छोड़ देंगी आप? अभी प्लस वन तक तो रखूंगी, फिर प्लस टू में थोड़ा लूज कर दूंगी, क्योंकि फिर स्टडीज का ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है। चक्षु हमारे साथ है, नॉन मेडिकल टॉपर्स। क्या खेल के साथ वो कंटिन्यू रख सकती हैं या छोड़ना पड़ेगा इन्हें प्लस टू में खेल? नहीं, अगर इंजीनियरिंग परस्यू करना चाह रही हैं तो मुझे लगता है कंटिन्यू कर सकती हैं। तो इट वुड बी वेरी टफ। टफ तो मतलब खेल को छोड़ना पड़ेगा ज्यादा, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली। हां, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, ब्रेक के लिए जैसे वीक में मैं भी खेलता था। मैं तो वीक में टू टाइम्स खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो मतलब रेगुलरली रेगुलर नहीं कर सकते आप अपनी स्टडीज के साथ। तो फिर आपके फोकस यही रहेगा कि आप नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स आए और उसके बाद अच्छे आईआईटी। आपने भी जाना है आईआईटी? यस मैम, कोशिश तो यही रहेगी अब आगे रिजल्ट। आयुषी, आप एनटीएससी की आपको स्कॉलरशिप भी मिलती रही, एनटीएससी क्लियर किया था और सैट भी क्लियर कर चुकी हैं आप? हाँ जी। तो यानी कि बाहर जाकर पढ़ने का इरादा है? हाँ जी, काफ़ी दो सालों से एक्चुअली मेरा एम वही था कि जैसे अब्रॉड यूएसए या सिंगापुर वगैरह में कॉलेज करूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी होलिस्टिक एजुकेशन होती है। अब जैसे दो सालों से मैं भी डांस में पार्टिसिपेट करती रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। आई वॉज द कल्चरल हेड अपने स्कूल में और पूरा ऑर्गेनाइज वगैरह डांस कर रहता है। तो आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू इन कॉलेज, वरना यूजली साइंस का ही स्टीरियोटाइप है, जैसे अभी बात कर रहे थे कि ये सब छोड़ना पड़ता है, तो मेरा वो बिल्कुल मन नहीं था। तो इसलिए मेरा प्लान था कि मैं यूएस में जाऊं एंड आई गॉट एडमिशन इन टू न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, पर वहाँ पे स्कॉलरशिप थोड़ी कम थी इसलिए अब मैं वहाँ पे एनरोल नहीं कर रही हूँ, बट अब फिर देखते हैं। अच्छा जी, बट सेट भी बहुत टफ है। सेट एक्चुअली इसके लिए कैसे तैयारी की थी? दो एसीटी के एग्ज़ाम्स थे, एक तो वन था जिसमें इंग्लिश और मैथ्स आती है। इंग्लिश मेरी हमेशा से अच्छी रही है, मतलब बिकॉज आई रीड अ लॉट, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती हूँ मैं, लाइक नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स, एवरीथिंग। सो उससे तो इंग्लिश अपने आप ही अच्छी हो जाती है। मैथ्स आई नीडेड सम कोचिंग बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और उसमें थोड़ी बहुत 11th की मैथ्स भी आती है। एंड बाकी फॉर सब्जेक्ट टेस्ट आई गेव फॉर बायोलॉजी, मैथ्स अगेन एंड फिजिक्स। तो उसमें तो आई गेस सेल्फ स्टडी थी, मेरे फिजिक्स के टीचर थे वो घर आते थे, उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की उसमें। किस किस चीज़ की कोचिंग ली थी आपने? कोचिंग एज इट इज़ मैं पीएमटी तो वैसे ही नहीं दे रही थी, बाकी ट्वेल्थ में एक फिजिक्स की होम ट्यूशन की थी और एक केमिस्ट्री का बस एक महीने के लिए टेस्ट बैच था बस, बाकी अपने आप पढ़ाई की। हाँ जी, अपने आप। आई टोटली बिलीव इन सेल्फ स्टडी, क्योंकि वरना ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ट्यूशंस में भागते रहो और एक्चुअली खुद जो अपना आराम से। पर देखा गया है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं जब तक ट्यूशन में, उन्हें लगता है कि ट्यूशन में जाकर ही पढ़ाई होती है, ऐसा है? नहीं, आई थिंक ऐसे एटीट्यूड आगे जाके सक्सेस नहीं दे सकता, बिकॉज आपके अंदर से वो चाह होनी चाहिए, चाहे आपको कहीं पे भी आगे कॉलेजेस के बाद भी कहीं सक्सीड करना हो। स्कूल में इतना पढ़ाया जाता है कि आप उसके बाद अगर खुद पढ़ते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक सफिशिएंट होता है कि आप स्कूल में अगर इफ यू पे अटेंशन इन क्लास, अगर आप क्लास में रोज जाएं, छुट्टियां ना मारें और घर पे आराम से उसको रिवाइज करें, तो आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट एटलीस्ट फॉर यू नो बोर्ड्स। बाकी पीएमटी का तो आई रियली डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट गिविंग पीएमटी। ओके, इशिता, आप भी एशियन गर्ल ह्यूमन राइट्स अवार्ड आपने जीता 2014 में, ताइवान गई थी आप। बाहर के भी टूर लगते रहते हैं और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज भी पढ़ना कोई इतना आसान तो नहीं प्लस वन प्लस टू में, और उसके साथ टॉप पर आना। ह्यूमैनिटीज में देखिए ये होता है कि आप मैथ्स में 100 स्कोर कर सकते हैं, बट अगर आपको इंग्लिश में 100 स्कोर करने पड़े सिमिलरली वो टफ है। आपको साइकोलॉजी में 100 स्कोर करने पड़े तो हमें पता है कि कैसे मार्क्स आते हैं, इसीलिए तो 96.6% वाकई मायने रखते हैं जी। तो आई थिंक वही है कि जितना मेरा मिस होता है मैं रेगुलरली कवर करती रही हूँ उसको, और आई थिंक सेल्फ स्टडी जैसा कि आयुष ने कहा। पढ़ी हैं आप? ट्यूशन नहीं ली? जी नहीं, मैं इनफैक्ट प्लस वन एंड प्लस टू में, एक तो मैं जो अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं हमारे, एक मेरे घर के पास प्राइमरी स्कूल था, मैं उनको पढ़ाती रही हूँ और मैं सीबीएसई की भी 9th और 10th की क्लासेस लेती थी, तो ये सब मैनेज करना, तो उससे मेरी भी रिविजन थोड़ा अप टू टच में रहता था मेरे मैथ्स एंड साइंस, तो इट वॉज ऑल वेल मैनेज्ड। यू कैन से कि मेरे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव थे
और मम्मा की पापा की ड्यूटी हमेशा साथ में, यू नो दे यूज़ टू सी माई कम्फर्ट कि मेरे स्टडीज़ में कोई हिंड्रेंस ना हो, और कंपेन्स भी वी यूज टू शेड्यूल कि एग्जाम्स के बीच में ना हो, बिकॉज दैट वॉज द मैक्सिमम वी कुड डू, मिस आजकल तो जो काम थोड़ा दौर ही है था। कंपटीशंस का, जनरली अभिभावकों की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि आप हर वक्त टोका टाकी, आप टीवी मत देखिए, आप बाहर मत जाइए, मूवी मत जाओ, फोन मत चलाओ, और पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह का प्रेशर बने तभी पढ़ाई हो। जी बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि आजकल स्कूल्स में बच्चों को इंकरेज करने की जगह ये कहा जाता है कि अगर इतने मार्क्स नहीं आएंगे तुम्हारे तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। दैट्स अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड जो हम बच्चों में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और आई थिंक वो हमारी कंट्री के फ्यूचर के लिए ही अच्छा नहीं है। बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं रिजल्ट से कुछ दिन पहले, अभी एक लड़की ने किया, वी नो अबाउट बिल्कुल इट। तो आई थिंक वाई दैट कि हम पैकेजेस के पीछे बच्चों को डाल रहे हैं कि इतना नॉन मेडिकल ले लो, 10th के बाद इतना पैकेज मिलेगा कंपनी में। तो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली नेगेटिव एटीट्यूड। और पढ़ाई जो है वो ज्ञान के लिए नहीं की ज्ञान जा के लिए रही नहीं है, की जाती, वो एक पैकेज के कितना लिए की कमाया जाती जाएगा, है। कमाई के लिए अब पढ़ाई जी हो रही है, जी जी वो आपको लगता है कि वो बहुत एटीट्यूड नेगेटिव जो है है, वो कहा जाता है कि वो तुम्हें सिनेरियो एडमिशन पूरा नहीं बदलना है। मिलेगी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कहाँ मिलता क्यों है क्यों एडमिशन। क्यों नहीं मिलेगी, आप सभी कॉलेजेस का लेवल इक्वल करें अगर हम अपने कंट्री में, यू नो हम अपना उसको सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करें, हम बच्चों को मोटिवेट करें कि आपने नॉलेज गेन करनी है इस फील्ड में, जहां आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज को नॉलेज गेन करो, या जो आपका मोटिव है आप सोचो कि उस मोटिव के लिए आपको क्या चीज पढ़नी पड़ेगी, नॉट कि अगर आप बेटा इतना पैकेज मिलेगा आपको इस कंपनी में उसके लिए आपको ये स्ट्रीम लेनी हो पड़ेगी। यही रहा है तो हो यही रहा ज्यादातर है, मामलों में 90% यही चल हो रहा है हमारे कंट्री में। तो मुझे तो आज भी यू नो लॉ मैंने पढ़ना है, मुझे एक वो नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा फर्दर गोल है उसमें वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। अगर मुझे IAS करना है तो आपको अपने कंट्री के लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी तो बात, अगर ये प्रेशर ना हो तो आप दबाव मुक्त होकर जी आप जी पढ़ाई कर आप सकते ज्यादा हैं। अगर एक्सेल ये हो कि करेंगे आपने उसमें ज्ञान के लिए पढ़ाई करनी है तो जी कितना जी चक्षु कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बी कंसिस्टेंट, मैं इतना ही कहूँगा बस। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा कि NCERT बुक्स आर सफिशेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई और रेफरेंस बुक्स उठा रहे हैं, तो वो सिर्फ डाइवर्ट ही करेंगी आपको। और NCERT में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आपको इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि NCERT बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बस वो बहुत कंप्रेस फॉर्म में है और आप लाइन्स के बीच में पढ़ नहीं सकते। मतलब इफ़ यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। ओके यस वेरी गुड। आयुषी कुछ टिप्स? या आई गेस एक तो वो होना चाहिए, सबसे पहले आपको अपना पैशन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको किस चीज़ में एक्चुअली इंटरेस्ट है। अब ये काफ़ी ट्रेंड है इंडिया में कि जैसे यू नो कोई भी किसी चीज़ में टैलेंटेड है तो उसको IIT में भेज दो, इवन दो इफ इट इज़ इन हिस्ट्री और इन बायोलॉजी, ठीक है ना। तो आई थिंक वही होना चाहिए कि अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, जब तक आपको पसंद नहीं है जो आप पढ़ रहे हो तब तक आप उसे अच्छे से। पर आयुषी लगता है कि बच्चों को शायद +1 +2 तक बहुत दे आर नॉट वेरी क्लियर कि वो चाहते क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। फिर ऊपर से घर में जो माहौल बन रहा होता है, जो प्रेशर हो रहा होता है, वो अलग नहीं होता है ना। वो तो अपने टैलेंट्स खुद ही आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे अब तो काफ़ी सारी फील्ड्स आ गई हैं, यू नो जैसे डांसिंग कोरियोग्राफी है, यू नो आई एम स्पीकिंग एज अ डांसर माई सेल्फ, एंड यू नो फैशन डिजाइनिंग है जैसे वो बोल रही थी इशिता। सो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, आई थिंक यू कैन यू नो इफ यू एक्सप्लोर कीप एक्सप्लोरिंग थ्रू आउट योर लाइफ, इवन इफ नॉट नाउ तो कॉलेज में भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन यू शुड फाइंड समथिंग जहाँ पे आपका एक्चुअल फिट है, आपका एक्चुअल पैशन है। एक इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि वी डोंट हैव एनफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, किसी भी चीज़ में एक्सपोजर ही नहीं मिलता है बच्चों को। अब जैसे यू नो वरना अभी बच्चों मुझे इनफैक्ट मुझे अगर मुझे डॉक्टर बनना होता मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअल ऑन द जॉब क्या करना होता है। हमें एक्चुअली सिर्फ रटाया जाता है कि क्या करना है। इवन साइंस के प्रैक्टिकल्स तो सबको पता ही है कि अब ऐसे ही किए जाते हैं, बिल्कुल किसी को एक्चुअली वो नहीं होता जो सालों से चलता आ रहा है उसमें कुछ खास बदलाव भाई, नहीं मतलब हुआ है। प्रैक्टिकल बुक्स हमारी इतने सालों से वही चल रही हैं, उसमें कुछ नया नहीं होता। सो साइंस जबकि कहाँ मेडिकल साइंस कहाँ तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल भाई, तो उसमें आई थिंक ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आप खुद कुछ सोचें, स्पेशली साइंस में यू नो अपने क्वेश्चन सोचें, आप उनको इन्वेस्टिगेट करें एक्सपेरिमेंट से, तो उसी से साइंस में आगे जा सकते हैं। रटने से तो साइंस में आई डोंट थिंक कुछ अच्छा होगा, बट स्टिल हमारे स्कूल्स में यही वो प्रैक्टिस चली आ रही है कि हर सब्जेक्ट्स में सिर्फ थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल नॉलेज है। साक्षी
कितना कितना कुछ यहाँ से टिप्स मिले? आप 10th में हैं, आप प्लस वन प्लस टू में जा रही, कुछ टिप्स मिले या पहले ही आप क्योंकि खुद ही 10 CGPA हैं तो यू वर कॉन्फिडेंट कि नहीं मुझे सब पता है और मैं कर सकती हूँ? नो मैम, काफ़ी टिप्स मिले कि जैसे कि हमें डिपेंडेंट ट्यूशन वगैरह पे नहीं रहना चाहिए, अपनी सेल्फ स्टडी में बिलीव करना चाहिए और कॉन्स्टेंट एफर्ट्स करते रहना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अगर हम प्रेशराइज फील करेंगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, और पेरेंटल सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरत है। पर मैं एक रेजिडेंशियल स्कूल में रहती हूँ तो वहीं पे टीचर्स का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है हमें, और 24 आवर्स टीचर्स का सपोर्ट रहता है, तो ट्यूशन या कोचिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें कोई भी मतलब कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम टीचर्स से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहता है। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है, पर कभी भी प्रेशराइज फील नहीं करना चाहिए, दबाव मुक्त रहें। इशिता, कुछ टिप्स आपकी तरफ से और कुछ बचा है तो? क्योंकि तो बहुत कुछ आप बता चुकी हैं, लेकिन कुछ सब तो? अपना पैशन फॉलो करें, अगर आप अपना पैशन से बाहर कोई स्ट्रीम लेंगे, कुछ वो स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली एक प्रेशर आएगा ही आएगा कि क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, आपको लाइफ में एक मोमेंट पे रिग्रेट्स होंगे। तो अगर आप अपना पैशन फॉलो करेंगे ऑब्वियसली आप अपने लिए पढ़ेंगे, वो किसी और के लिए नहीं पढ़ेंगे। कहीं इश्ता, मैंने अभी यही पूछा कि अगर कहीं कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इधर जाना है उधर जाना है ना, प्लस वन प्लस टू तक भी नहीं कई बार नहीं पता होता, तो फिर कैसे पैशन फॉलो, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली पेरेंट्स आर द यू नो प्राइमरी सोर्स, जो अपने अगर उनके बच्चों को प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स ये करते हैं कि उनको एक बता देते हैं कि आपने नहीं हमारे हिसाब से ये स्ट्रीम लेनी है। अगर पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे पहले होनी चाहिए वाया स्कूल, क्योंकि स्कूल भी बच्चे के टैलेंट्स आइडेंटिफाई कर सकता है, और स्कूल सबसे बेस्ट काउंसलिंग दे सकता है पेरेंट्स को, क्योंकि वो दोनों ही बच्चे के प्राइमरी सोर्सेज हैं इंटरेक्शन के। तो स्कूल पेरेंट्स को काउंसलिंग दें कि अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली मैनर में डिस्कस करें चीज़ों को, और फिर पेरेंट्स उनको उनके पैशंस आइडेंटिफाई करके उनको सही रास्ते पे गाइड करें, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अभिभावकों का और साथ में टीचर्स का बड़ा रोल है, जी, आप बहुत रोल सभी की सक्सेस में है ना, टीचर्स और अभिभावक दोनों ही साथ रहे और आपका अपना पैशन तो साथ में था ही। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें उसमें भी आप सक्सेसफुल रहे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े और अपने सक्सेस मंत्र, अपने व्यूज आपने शेयर किए, और हमें लगता है कि बहुत सारे जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे थे या जो देख रहे हैं और जो अभिभावक भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी उनके लिए भी बच्चों की तरफ से तमाम नसीहतें आई हैं, और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है कि बहुत ज़रूरी है अनुशासन में रहना, वक्त की पाबंदी, नियमित पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडीज़ खुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पैशन को फॉलो करना। सबसे पहले तो जानिए कि आप करना क्या चाहते हैं, फिर उस रास्ते पर चलिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।